आज हम लोग ये मकरोनिया में रेलवे क्रॉसिंग का एक बुल है, उसके लिए ट्रेन ने टक्कर मार दी है, तो उसके पास आए उसको देखने। एक फ़ोन आया था किसी अननोन व्यक्ति का, वो बोल रहा था कि यहाँ पे उसको लग गई है ट्रेन से। ये रेस्क्यू यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ है, और ये किया है वासु जी ने अपने गौत सेवा दल के साथ। ना सिर्फ वो रेस्क्यू करते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी सर्जरीज भी कर लेते हैं, और उनका सारा प्रशिक्षण अनौपचारिक है। तो वासु जी, आपके बारे में मुझे पता लगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सर्जरीज कर लेते हैं जो डॉक्टर तक नहीं कर पाते, तो आप मुझे बताएंगे इस विषय में आप कितना पढ़े हैं? सर, इस विषय में तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन अनुभव के अनुसार जो थोड़ा थोड़ा सीखते रहे और इकट्ठा करते रहे, उससे आगे निकल गए सर। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी की मदद रही, किसी रूप में कहीं एक चाह रही है तो सीखते रहे सर। किसी को इलाज करते हुए देखा, YouTube पे देख लिया, Facebook पे देख लिया, और अंसुल से पढ़वा लिया इस ये प्रॉब्लम है, तो यार इस पर गूगल पे देखो इसका क्या होगा। और ये भी सर, और कुछ फेस किया करते करते अभ्यास के, कहते हैं बुंदेलखंड में, करते करते अभ्यास के जड़ में हो सुजान, तो वो भी करते करते रहे। गौशाला में कुछ समय दिया हमने, तो वहाँ सीखते रहे सर। और इसमें कुछ पुराने जो गौपालक होते हैं, गौसेवक होते हैं, जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ एक डेयरी फार्म है, यहाँ पर पंडित श्री मुन्ना शुक्ला जी हैं, वो काफ़ी अनुभव उनको गायों के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, नस्ल के बारे में गाइड करते रहते हैं, गाइड बहुत गाइड करते हैं वो हम लोग। उनके साथ वाले उनके दोस्त हैं, करीब उनकी एज है 75 ईयर्स, और वो 75 साल उम्र है उनकी, वो उनने भी गाय पाली, उनसे भी बहुत अनुभव लिया। जहाँ पर रुकते हैं तो आपसे पूछा, दादाजी से पूछा कि ऐसा करना, और कुछ मैकेनिकली दिमाग है सर, और थोड़ा सा सीखते सीखते लगता है कि ये जो है सिलाई मशीन के मिस्त्री हैं, तो अभी उनका मतलब जो भी चीज़ होती है, बड़ी पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा थी नहीं इनकी, रोड पे जो करते गए हम लोग उससे सीखते गए सर। और कोई डॉक्टर से पूछ लिया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, फिर हम लोग थोड़ा नेट पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ परफेक्ट है देने के लिए। हम लोग का ग्रुप है सर 15 से 20 लोगों का, वो हम लोग ये काम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप कॉलेज नहीं गए इस चीज़ के लिए कभी? नहीं सर, कभी कोई कॉलेज नहीं। तो कहां से आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको इतनी मदद करनी है? मेरे आध्यात्मिक गुरु मेरे नाना जी थे, उनको गायों के प्रति विशेष स्नेह था, गायों को लेके हमेशा लगे रहते थे, गायों 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 की सेवा को लेके। तो कहीं ना कहीं गायों को देखा है अपन ने तकलीफ में है, तो एक ट्यूब लगा दिया, बीटाडाइन ड्रेसिंग कर दी, कान में कुत्तों ने काट दिया, उससे पता नहीं चला, थोड़ा थोड़ा करते इतने आगे कब निकल। पहले गायों के प्रति था कि गाय हमारी बहुमूल्य, जब इस चीज़ का सुधार हुआ तो हम जीव में आ गए, मतलब सब जो जीव हैं, चाहे कुत्ते हो, सुअर हो, बिल्ली हो, जीव हैं जिनका कोई नहीं है, तो सबके लिए अब वो काम शुरू हो गया सर। करीब 5 साल से गाय कुत्ते बिल्ली सबके लिए कर। आप प्लेट भी डाल लेते हैं हड्डी टूटने पे? ऑर्थोपेडिक सर्जरी पूरी, कमाल है। हमारे यहाँ तो हम खुद पालमपुर अस्पताल यहाँ से लेके जाते हैं अगर हमें प्लेटिंग करानी हो, पिनिंग करानी हो। तो आप कभी आएंगे यहाँ पे, हमारे स्टाफ को भी थोड़ी ट्रेनिंग देंगे? जी सर, हम क्या ट्रेनिंग देंगे सर, आएंगे आपके पास, आना बड़ी खुशकिस्मती हुई आपके पास आना, कुछ अनुभव मिलेंगे आपसे, कुछ सीखने मिलेगा। वैसे भी सर आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, आपको बहुत सीखा। आपको पीपल फार्म के बारे में पता कैसे चला? सर फेसबुक चला रहे थे, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को अपन ऐसे इस चीज को लाइक करते हैं, तो उसी में आपका निकला। जब आपको देखा फर्स्ट टाइम, आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो सर वो कहते ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो आपको देखा वही रुक गए, हमने बस यही देखो इम्प्रेशन, वही आपका काम देख के सर, जो हम करना चाह रहे थे वो आप कर रहे थे, जो हम नहीं कर पा रहे थे, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसको देखने के बाद लगा कि हाँ ये करना। चलिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारा वीडियो देखा और मैं आपसे इस माध्यम से जुड़ा। तो मुझे एक बात बताइए, अक्सर ना मुझसे लोग ये पूछते हैं कि भाई हमें फैमिली की सपोर्ट नहीं है, अब आप सिलाई का काम करते हैं और आप साथ में गौ सेवा करते हैं, आप कह रहे हैं कि सुअर बिल्ली कुत्ता कोई भी मिल जाए, तो इसमें समय का तो आपका हर्जा होता होगा। बिल्कुल होता है सर, बहुत होता है। तो घर वालों का इस बारे में क्या विचार है?
सर कहीं ना कहीं गुस्सा भी रहती है, लेकिन उनको एक खीस रहती है, लेकिन ये चीज रह के संतुष्ट हो जाते कि अच्छा काम कर रहा है, ये करने दो, मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बोलो। और परिवार में आपके कौन कौन है? मेरे पिता हैं, वाइफ हैं, भैया भाभी हैं, दो, एक भतीजा एक भतीजी है। अच्छा, तो और वो सभी का यही एक मत है या उनमें से कोई आपके साथ जुड़ा भी हुआ है? नहीं, सारे जुड़े हुए हैं, सारे। वो दुकान पे काम कर रहा हो, उसी बीच कोई कॉल आ जाए तो पापा कहते चलो रख दो, हम कर लेंगे, तुम चले जाओ। तो शुरू से ऐसे हैं या वो आपको देख के बदले हैं? हमें देख के बदले। अच्छा, तो बदलाव लाना मतलब संभव है लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भाई का भी पूरा सपोर्ट है, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। रात में 2 बजे भी आते हैं तो भाई को ही मालूम है कि कहीं कुछ काम कर रहे होंगे, फोन मत लगाओ। तो जैसे मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर एक पैर जमीन से उठाना है तो दूसरा पैर तो फिर जमीन पे आपको टिकाना पड़ेगा, आप दोनों पैर जमीन से नहीं उठा सकते, तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने भी ऐसे बड़े सारे बलिदान किए होंगे, कुछ उस बारे में बताएंगे? जी, बहुत बलिदान हुआ। किसी ने हमसे कहा कि आप माँ की केयर करो, माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, क्या उनको थोड़ा सा दिखा दिया करो, बीपी शायद उनका बड़ा रहता है, चेहरे पे स्वेलिंग रहती है, लेकिन हम अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि इतना ज्यादा बिजी हो गए कि अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। गायों में जिस दिन माँ को अटैक आया उस दिन भी हम इलाज कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमने वहां पर उठाया। जो मेरी लाइफ की सबसे प्रिय चीज थी मेरी माँ, वो मुझसे दूर हो गई, मैं उनकी केयर नहीं कर पाया। सुन के काफी खेद हुआ मुझे। तो इससे आपने कैसे निपटे आप इस बात से, मतलब इससे आपको कोई कभी अवसाद, कभी डिप्रेशन महसूस हुआ? बहुत डिप्रेशन महसूस हुआ इसको लेके, ये काम हमने बंद कर दिया, करीब 15 दिन हमने काम नहीं किया, टोटल बंद कर दिया। फिर एक दिन ऐसा सिक्स सेंस कहते हैं सपने में, वो लगाया ब्रेन में जो भी हो, मम्मी ने फिर से वही बोला सपने में आके या जैसे भी लगाओ, कि माँ कह रही कि ये काम बंद नहीं करना, ये काम तुमने शुरू किया है आखिरी सांस तक करना, जब तक तुम्हारे शरीर में सांस है तुम्हें करना, उठो जाओ करो। तो फिर शुरू कर दिया। पहले भैया ने अकेले शुरू किया था सर, हम लोग 20-25 लोग हैं। तो ये 20-25 लोग कौन है, परिवार से आगे भी लोग जुड़े हैं यानी कि? हाँ सर, परिवार के हैं, दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग हैं, परिवार से भी हो गए, पारंग शुक्ला हो गए, हमंसल हो गए, दानिश हो गया, लकी जैन हो गए, ऐसे सब लोग हैं सर। 20-25 लोग का ग्रुप होता है, जब जरूरत पड़ती तो बुला लेते हैं सर। ज्यादा बजट हो तो सारा ग्रुप इकट्ठे कर लेता है पैसे, मतलब सब सबकी अपने स्तर पे सबकी हेल्प। तो मैं, पैसा ही अगला टॉपिक है जिसपे मैं आना चाह रहा था। अब ये काम करने के लिए एक तो समय चाहिए, मैन पावर चाहिए। चलिए समय तो आपने निकाल लिया, मैन पावर भी आपने इकट्ठी कर ली, आर्थिक सहायता? आर्थिक सहायता जो सर, मैंने पहले आपको एक नाम बताया था, पारंग शुक्ला। पारंग शुक्ला फैमिली हमारे एक संपन्न परिवार, उनके बड़े पिताजी मुन्ना शुक्ला है, गुंजन भैया है, गुंजन शुक्ला जी, उनकी तरफ से आर्थिक मदद होती है हमारी। जहाँ हमारी हमारी बजट खत्म होता है तो उनसे बोल, वो कहते चलो इसके बाद हम सुन। अभी 2 महीने पहले सर 1,28,000 का कर्जा हो गया था दवाइयों पे, मेडिकल स्टोर का दवाइयाँ लेते लेते, उनने बहुत हेल्प करी उसमें, पूरी हेल्प की। तो आप लोगों ने आपका ये जो सारा इतना प्रयत्न है, इसके बारे में आपने कोई फेसबुक पेज वगैरह बना रखा है कि जैसे भाई हमारे जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, वो देखना चाहें आपका काम, तो वो कहाँ देख सकते हैं? सर बनाए थे पेज पर, मतलब हम लोगों ने खुद नहीं बनाया था, किसी मतलब किसी ने देखा हम लोग को करते हुए, बना लिया। पर वो लोग क्या करते थे, हम लोग के पीछे मतलब एक मिसयूज होने लगा था उस चीज का सर, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो गए थे। हमारे काम चंदा इकट्ठा होने लगा, मतलब हम लोग को पता ही नहीं है भैया के नाम पे चंदा ले रहे हैं, गायों के लिए कर रहे हैं ये, और कभी पैसा कुछ आया ही नहीं है, पता ही नहीं चला क्या हमारे पास कुछ नहीं है। और सर ऐसा होता है, हम लोग जैसे स्पॉट पे इलाज करते हैं वहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लेते, तो ये चीज़ सर एक न्यूज़ फैल जाती है कि पैसे लेके इलाज कर रहे हैं, पैसे लेके पैसा कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, इसलिए फिर इतना नहीं करते सर, बंद चल रहा है सब। तो आपके नाम पे चंदा इकट्ठा हुआ लेकिन आप तक नहीं पहुंचा? नहीं सर, कभी बोले ही नहीं कि चंदा लेना है या कुछ, ये कभी किया ही नहीं हम लोगों ने कि चंदा ले रहे हैं या किसी से बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि आपको किस तरह की सहायता चाहिए जिससे ये आपका काम और आप इसको बड़े स्तर पे कर पाएं, या बिन जो आपकी परेशानी थोड़ी हल हो?
सर सही रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को, ट्रैक सही नहीं मिल रहा सर, ट्रैक क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाना चाहिए, इस चीज को लेके क्या सही रास्ता है वो समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा विस्तार में समझाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक नहीं मिल रहा, मतलब आपको ये नहीं पता कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए या इसी काम को संभालने के लिए क्या करना चाहिए। सर मेरी एक बड़ी ख्वाहिश रही है, इनब्रीडिंग जो गाय की दुर्दशा का एक कारण है, गाय की जो खराब स्थिति आज जो समाज में है कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग हो गई। इनब्रीडिंग सर मैं समझा नहीं पाऊँ, मतलब वर्ण संकरी, मतलब बहन का भाई से सेक्स संबंध हो जाना, उससे इनब्रीडिंग होने के कारण उनकी नस्लें खराब हो गई हैं, तो गाय कम दूध दे रही है, मतलब जो 5 लीटर दूध देना चाहिए तो 100 ग्राम और 200 ग्राम दूध देने वाली बछिया जन्म ले रही है, और अनयूज वाले छोटे से बछड़े पैदा हो रहे हैं ना? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इनब्रीडिंग बहुत हो रही है, इनब्रीडिंग से गाय की अब इतनी महंगाई में 100-200 ग्राम वाली गाय कोई घर में नहीं बांधे, तो अब गाय रोडों पर आ गई और बछड़ों की कोई कीमत है ही नहीं है, या तो कसाई ले जाए या रोड पर घूमे गाड़ियों से पूछने के लिए या एक्सीडेंट होने के लिए, और बहुत से समाज में ऐसी कुरूतियाँ फैली हैं तो उन बहुत सा लॉस होता है, बछड़ों को कटने भी बिक जाते हैं, कसाई ले जाते हैं, चोरी छुपे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग है। अगर अपन इसको बधियाकरण करें तो सरकार के बहुत बड़ा प्रोसीजर चलता है बधियाकरण का, पहले बुल बैलगाड़ी बखर गायों में बैलगाड़ी में चलते थे तो बधियाकरण अपने आप हो जाते थे, उससे इनब्रीडिंग नहीं होती। अब क्या है इनब्रीडिंग बहुत होने लगी है बधियाकरण नहीं होने के कारण, सरकार कागजों में तो बधियाकरण करती है, कागजों में तो सब होता, धरातल पे कुछ नहीं होता। अगर बधियाकरण अच्छे स्तर पे हो जाए, अच्छी नस्ल की बुल रखे जाएं, अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, तो एक वो, और दूसरा एक सेक्स सीमेन और आ गया है सर कि केवल गाय के यहाँ बछिया होगी, मतलब हमारी सोच है अगर गाय के AI से बछिया होगी तो बछड़ा जन्म नहीं लेगा, है तो गलत लेकिन फिर भी बछड़ा जन्म नहीं लेगा, बाहर नहीं आएगा, उसको समाज की रोडों पे नहीं घूमना, दुर्दशा नहीं घूमना पड़ेगा, बछिया होगी अच्छी नस्ल की होगी, आदमी पालेंगे घर पे रख लेंगे, लालच के बस रखेंगे, दूध के लिए रखेंगे, और समाज में तो आपको पता ही है गाय माता है और एक रोटी खिला के सारा पुण्य सब कुछ गाय से चाहिए, एक रोटी रोटी खिला के समाज को और कुछ नहीं करना, उनके नाम पे सब कमा रहे हैं, उनके नाम पे कमाना, उनके नाम से यश लेना, सब खा रहे हैं, सब उनके नाम से सबको फायदा चाहिए, बस उनको फायदा ना मिलता। जो लोग हमें सुन रहे हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ, बधियाकरण मतलब कास्ट्रेशन, जैसे एक्सटर्नलाइजेशन हो जाएगी तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है इनब्रीडिंग को खत्म करने के लिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बछड़ों का इलाज करते हैं सर, उसको वहीं आपसे सीखने के बाद, जैसे आप बिच को बोलते हैं हम ऑपरेट करा देते हैं जी, जिससे आगे पिल्ले बच्चे ना हो, तो उसके बाद से हम लोग ने एक नियम बना दिया, अगर हम बछड़े का इलाज करेंगे तो वहीं इस पार्ट पे बधिया करेंगे। मेरे कुछ चंद सवाल हैं, देखिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, मैं तो शुरू से शहर रहा, फिर मैं बाहर रहा और अब मैं 5 साल से गांव में हूँ, तो मेरा जितना भी दूध से जो मेरा रिश्ता था वो ये था कि दूध थैली में आता है और बस, और अब मुझे दिखता है कि भाई दूध के लिए गाय के साथ क्या होता है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि बधियाकरण कर देते हैं इनब्रीडिंग नहीं होगी, चलिए इनब्रीडिंग नहीं होगी, मैं कहता हूँ सेक्स सीमन वाले जो इंजेक्शन आ गए हैं चलिए उसमें 10 में से 9 बारी बछिया पैदा हो जाएगी, ठीक है, पर एक बछड़ा तो होगा, उसका क्या होगा? रोड पे घूमेगा पर कम घूमेंगे कुछ तसल्ली रहेगी पर कम घूमेंगे। अच्छा दूसरी बात यह कि गाय कभी ना कभी तो बूढ़ी होगी जी, उसका क्या होगा? मतलब सॉल्यूशन नहीं है इसका, मतलब क्या इसको क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन नहीं है, गाय बूढ़ी होने के बाद क्या जाए, कहाँ जाए, क्या क्या किया जाए। तो पहले क्या होता था? पहले जगह थी सर, पहले जगह जंगल थे, गांव में छोटा घास बोलते हैं अपन, बिल्कुल चरागाह थे, छोटे घास की जमीन छोड़ी जाती थी गांव में गायों के लिए, चरवन की जगह बोलती थी। अब जनसंख्या बढ़ने के कारण गांव में सारी जगह कब्जा कर ली गई, गायों को हर गांव में एक बहुत बड़ी जगह होती थी जिसको बोलते थे छोटे घास की, वो गायों के लिए होती, और बूढ़ी भी गाय हो जाती थी तो 12 महीने वहाँ चारा रहता था, पहले जो होता यूज होता रहता था और अच्छे अच्छा खाने मिलता था, अच्छी नस्ल थी, अच्छा हरा चारा मिलता था, अब जो कि नहीं मिलता, उससे कहीं ना कहीं कम उम्र में गाय खराब हो जाती है, कम उम्र में खराब हो जाती हैं, ज्ञावन नहीं होती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो आदमी रोड पे छोड़ देते, पहले पर्याप्त भोजन मिलता था उस कारण से काफी समय तक सर्वाइव करती थी, तो घर में कहीं ना कहीं परिवार फैमिली में उस गाय से मन लग जाता था, चलो यार हमारी गई गाय
पुरानी गैया है। जैसे इस जो चेरी में हम खड़े हैं यहाँ पे 16 साल की नन्नी नाम की गाय है जो जंत की नहीं है, उसको रखे हैं भैया, नहीं छोड़ो, ये कह रहे थे इसको यहीं पे यहीं रहना लाइफ टाइम। आपके भैया हैं, उन्होंने ये बूढ़ी गाय रखी है, ये एक नॉर्मल बात है या ये कोई कोई ही करता है ऐसा? कोई कोई ही करता है, कोई कोई करता है, हर कोई नहीं करता, बहुत कम। खैर ये तो हो गई डेयरी की स्थिति। थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने जो कुछ केस हैंडल किए हैं, जो सबसे मुश्किल मुश्किल कुछ केस हैं, आपने मुझे कुछ वीडियोस भी भेजे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पेचीदा केस था, एक महीने का बछड़ा NH-26 फुल लाइन पे मिला था, 10 दिन डल नाले में डला रहा, उसको बचाना बड़ा पेचीदा था, वो बचा, उसमें बहुत सीखने को मिला, उसको पैर की हड्डी को जोड़ना, उसके इन्फेक्शन को कम करना। उसमें सर एक अनुभव ये काम आया, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों के लिए मसाला, उस मसाले को हम लोग ने हड्डी के गैप कम करने के लिए यूज किया था और उसमें सक्सेस। सर एक बस स्टैंड है हमारे यहाँ, बस स्टैंड पे एक बछड़े को कुत्तों ने खा लिया था नाक की तरफ से नोच के, तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो सर उसमें स्किन ट्रांसप्लांट की थी हम लोग ने, स्किन ऐसी कि उसकी थाइस की स्किन खाल निकाल के स्किन और नाक का हिस्सा बनाया था, और काफी सफाई सब बहुत अच्छे से हुआ था, आज भी बछड़ा घूमता है, उसकी पूरी नाक पे थाइस की स्किन निकाल के नाक पे लगाई थी और सक्सेस हुए थे सर, एक बहुत बड़ा अनुभव रहा वो। और दूसरा अनुभव ये है कि सुअर मार बम खाने से एक बछड़े का जबड़ा फट गया था, जबड़े की नीचे की हड्डियां टूट गई, तो उसके लिए ड्रिलिंग करके तार से कब्जा, अपने दरवाजे में लगाने वाले अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के कब्जे लगाए थे, तो वो सक्सेस रहे उसमें, आज भी बछड़ा जीवित है, अच्छा है स्वास्थ्य, उसके लिए किया था काम। करीब उसको 15 दिन हम लोग ने पाइप से भोजन दिया था, 15 दिन में रिकवर कर लिया था। और तीसरा पैर बना, हाँ सर एक बछड़े एक गाय का पैर बनाया था, नकली पैर बनाया था, उसमें सक्सेस हुए थे, मतलब उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी उसमें सक्सेस हुए तो बहुत खुशी हुई थी कि हाँ कुछ कर लिया। तो वो नकली पैर परमानेंट लगा रहता है गाय के साथ क्या? परमानेंट जी, उसके साइज के हिसाब से जब बड़ा हो गया तो फिर चेंज कर देते हैं उसको, जैसे उसकी हाइट बढ़ी तो फिर चेंज किया उसको। तो वो गाय आपके साथ ही है आज भी? नहीं, लॉकडाउन के पहले तक दिखी थी, अभी दिख नहीं रही। हमारे यहाँ लॉकडाउन में लॉस बहुत हुआ सर, बहुत जानवर मरा, गाय मरी है। गाय लॉकडाउन से कैसे मर गई? सर घर के कारण, घरों से जो जूठन खाना पीना फेंकता है, डलता है होटलों से, सब में उस पर सर्वाइव करते हैं, यहाँ घूम के वही खा के जीते हैं। अब लॉकडाउन में होटलें बंद रही, टोटल फलों की दुकान है, सब्जी मंडी सब बंद रही, तो उस कारण से घरों से जूठन फेंकना भी बंद हुआ, कहीं ना कहीं घर से आदमी बाहर नहीं निकले, मंडियां नहीं लगी, होटलें नहीं खुली, तो उन कारण से वीकनेस, भूख वीकनेस के कारण कोई ना कोई बीमारी उनको घेरी हो, घेरने के कारण वो मरती है। अच्छे अच्छे भले बड़े बड़े बोलते सर, जो सबसे अच्छे बछड़े जो बोल जो शांत सागर में सूखते गए, हड्डियों पे आ गए पूरे, फिर एकदम बहुत कम लोग होकर चले गए। लास्ट टाइम पे हम लोग को पता चलता था जब पूरे मतलब लेट जाते थे, अब होटल दे रहे हैं पर कोई रिकवर नहीं कर, साइकिलिंग पे आ गए आड़े लेट गए, साइकिलिंग कर रहे हैं, बचना नहीं, उस स्थिति में भी। अब देखिए मुझे यही लगता है कि हम लोगों की फितरत ऐसी हो गई है कि बस हम ये देखते हैं हर चीज़ का हम पे क्या प्रभाव है। लॉकडाउन हुआ है तो हमें मॉल नहीं जा सकते अब हम, पर यहाँ पे ये सब भी होता है जो दिखता ही नहीं, औरों को नहीं दिखता, लेकिन आपको ये चीज़ें क्यों दिखती हैं? सर दिखता सबको है शायद, पर देखना नहीं चाहते। हाँ सब नजरअंदाज करते हैं, सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, ध्यान ही नहीं देता कोई, बस फोटो खिंचवाएंगे इतने टाइम के लिए, देख लेंगे कि हाँ बस फोटो खिंच ली फिर निकल जाते हैं। तो अंशुल आपकी तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं हुई सर। तो आपको लगता है आप ये काम करते हैं, आप सारा दिन कुत्ते बिल्लियों के पीछे पड़े रहते हैं, गाय के पीछे जाते हैं, आपको लगता है इसमें गर्लफ्रेंड मिलने में दिक्कत होगी आपको? नहीं सर है सर गर्लफ्रेंड है। अच्छा तो वो रेस्क्यू कराती है साथ में? नहीं सर वो नहीं यार। अच्छा उस काम से सबका सपोर्ट रहता है इस काम में। चलिए अच्छा मुझे आपने एक बड़ी बात बोली कि एक सुअर मार बम, तो ये सुअर मार बम क्या होता है? सुतली बम को एक बारूद को लपेट के बम बना के जिसको दबाव पड़ने पे फट जाता है, जबड़े से खाते हैं उसमें तो फट जाता है, उसको छिपा के रखते हैं कहीं ना कहीं, तो वहां से गाय निकली उसको आटे की खुशबू आती है और वो खाती है, वो एक्चुअली रखा जाता है सुअरों के लिए, जंगली सुअरों,
को नुकसान ना पहुंचा है, या हमारे बगीचे को नुकसान ना पहुंचा है, या यहाँ बुंदेलखंडी में कछुआ आ रही जो छतरी लगाई जाती है यहाँ अंदर ना आए, वो सुअर मॉप हम उसको बोलते हैं। कुछ आदिवासी लोग लगाते हैं, वो मुंह से जबड़े से दबाने से वो फट जाता है। सुअर के मुंह में जब बम फटता है तो ये एकदम अकस्मात तो नहीं मर जाता होगा? तड़प तड़प के मरते हैं, बहुत देर, बहुत तकलीफ। जैसे केरला में वो हथनी के साथ वैसे ही होता है। अब सुअर के साथ ये है कि बम फटा उनको मिल गया तो वो तो ले जाके खाएंगे उसको। पर मैं ये समझता हूँ कि देखिए किसान की भी समस्या तो है, किसान करे तो क्या करे, अब सुअर उसकी खेती खा जाए अगर तो वो किसान क्या खाएगा, तो आपके हिसाब से इसका कोई समाधान है? सर इसका परफेक्ट समाधान तो नहीं है, फेंसिंग अच्छी होना चाहिए और परफेक्ट समाधान हमारे पास नहीं है कि हम किसान के खिलाफ भी नहीं हो, जंगल अब बचे नहीं है तो कहीं ना कहीं इंसानों ने भी अधिग्रहण किया है, जब तो खेतों में आ गए, जगह उन्हीं की थी सर, पर अब खेत के उस पर जगह उनकी थी, इंसानों ने सब धीरे धीरे कब्जा करते गए तो अब वो खेतों में वो आने लगे, जब हमने उनकी जगह में हस्तक्षेप किया तो अब वो हमारी जगह में अच्छे हस्तक्षेप कर रहे हैं, गलती उनकी भी है अपनी भी है। तो शायद हमने प्रकृति का सारा जो बैलेंस है वो हिला दिया है। जी इंसानों ने बिल्कुल हिला दिया, दो मत नहीं। तो अब आप जानवरों की इतनी मदद करते हैं, आपने कुछ इंसानों के लिए भी किया है? सर एक आश्रम है यहाँ पे घरौंदा करके, वहाँ पे भैया अच्छा कर देते हैं जो भी जरूरत पड़ती है उन लोगों के लिए, वहाँ पे मतलब पीसी बच्चे होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनको हमारा ग्रुप शुक्ला परिवार की तरफ से सबकी तरफ से बहुत मदद होती है। इंसान अपन दान करो तो बताना नहीं चाहिए। देखिए ये मैं भी मानता हूँ कि बताना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि कहीं पे आज इस प्रेरणा की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सामने बस यही आता है अमीर बन जाओ, नामी ग्रामी हस्ती बन जाओ, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेल लो, स्टार बन जाओ। तो अगर आप जैसे लोग मदद कर रहे हैं तो वो आपको बताना तो होगा, तो ही तो लोग प्रेरित होंगे। खैर अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में हाल ही में कोई बदलाव आया है? किस टाइप से सर? किसी भी टाइप से, देखिए जैसे आपके जैसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, हम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक टाइम पे मैं खूब शराब पीता था, खूब सिगरेट पीता था, दिन की मैं 10 डब्बी सिगरेट पी जाता था, फिर मैंने सिगरेट छोड़ी, फिर मैंने शराब छोड़ी, फिर मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, कुछ ना कुछ छोड़ता ही आ रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव, कोई आपने गुस्सा करना छोड़ा, कोई भी आदत बदली हो? ड्रिंक नहीं करते, स्मोकिंग कुछ ऐसे कोई काम नहीं करते सर, थोड़ा सा पूजा पाठ ज्यादा करते हैं कि बुराई कहें अच्छाई कहें तो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। और सर एक काम जरूर किया है, एक लड़ाकू प्रवृत्ति थी हमारी, हर किसी से लड़ना, हर छोटी सी बात पे लड़ना, गाय के लिए, गाय के लिए, अपने लिए, किसी के भी लिए, मतलब एक बहुत गंदी हरकत थी, आदत थी, ये छूट गई सर, ये तो बदलाव आ गया। जड़ पे पहुंचते हैं, क्या दिक्कत क्या है जड़ पे पहुंच, गाय कटने जा रही है तो कसाई की गलती नहीं है, किसकी गलती ज्यादा ये बदलाव आया सर, लड़ाकू प्रवृत्ति कम होती। और ये समझ कैसे आई आपको? सर इसी दोस्तों में, लोगों में साथ, आप जैसों का साथ मिलता रहा तो समझ आती गई मुख पशुओं में कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो सर दया भाव आ ही जाता है, जब इनके साथ रहो तो अपने आप दया भाव आ जाता है सर, तो दूर दूर तक नहीं आता गुस्सा, जब गाय वेदना देखो, इनकी तकलीफ देखो, अपना तो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अच्छा आप एक बात बताइए, आप ये वीडियो डेयरी से कर रहे हैं और आपको पता होगा कि आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, मैं कहता हूं कि भाई गाय के साथ इतना अत्याचार हो रहा है दूध के लिए तो दूध को बायकॉट करो। तो सर डेयरी का एक बहुत खासियत है, इस डेयरी की खासियत है, इस गाय के बछड़े को आधा दूध दिया जाता है, जैसे ये राधा हमारी गाय है, तो राधा, ये राधा है सर, दिख रही है सर? जी बिल्कुल। अरे को जने 1.5 साल हो गया, राधा के बछड़े को अगर 8 लीटर दूध देती है तो एक डिब्बे में 4 लीटर दूध उसको बछड़े को दिया जाता है, जब तक वो खुद से ना छोड़ दे, जब तक खुद से छोड़ ना दे, इसलिए डेयरी की खासियत है। मंगली का बछड़ा है, मंगली को भी आधा दिया जाता है, सब गायों के बछड़े को आधा दूध दिया जाता है। ये है नंदिनी सर, सबसे पुरानी गाय है, इसको सर डीहॉर्न हमने किया था। तो अब ये डीहॉर्न क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे मुझे? जो सींग निकलते हैं गायों के,
जैसे घर में पाल लिए तो सींग वाली गाय नहीं रख पाते अपन, लड़ जाए लग जाए अपन आस पास जा रहे हैं, तो इसलिए इनको बचपन में उस जगह को केमिकल से जला देते हैं, तो सींग नहीं आते, गाय की वैल्यू वही रहती है। केमिकल से जला देते हैं, ये तो थोड़ा दर्दनाक सा लग रहा है। एसेट से होता है, थोड़ा दर्द होता है, लेकिन सर इसमें इसकी वैल्यू रहती है, मतलब वैल्यू ये रहती है कि जो कैल्शियम सींग खींचता है वो शरीर को मिलता है पहली चीज, दूसरा समाज में इस गाय की थोड़ी वैल्यू रहती है, कोई पालना चाहे तो ले जाते हैं, और थोड़ा डर कम रहता है घर में डेयरी में गाय छूट जाए अगर एक दूसरे से लड़ने में इस गाय को नुकसान ना पहुंचाते दूसरी गाय को। अब देखिए मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा, अब इन्हीं सब चीजों के चलते ना मुझे लगता है थोड़ा कि भाई भाई हमारे लिए भगवान ने इतनी चीजें बनाई, फल फूल हैं, मेवे हैं, सब्जियां हैं, तो क्या पड़ी है कि हमें ये सब कुछ जरूरत है गाय का करने की। देखिए ना मतलब हम आधा दूध भी देते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई हम आधा दे रहे हैं बछड़े को, हम ये नहीं कह रहे कि अरे हमने बछड़े से आधा ले लिया दूध। मुझे एक और बात समझनी है आपसे, क्योंकि देखिए आपका डेयरी का अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर हम पूरा दूध बछड़े को दे देंगे तो उसको 10 लग जाएंगे, अब जितनी मेरी समझ कहती है कि बछड़े का तो जो लूज मोशन इसलिए रहते हैं क्योंकि वो दूध पी रहा है तो उसका जो स्टूल है वो सॉफ्ट ही रहेगा, इंसान के बच्चे का भी सॉफ्ट ही होता है, और दूसरा ये कि अगर बछड़ा जहाँ तक मुझे पता है अगर कम दूध पिएगा तो गाय बनाएगी कम दूध, तो इसमें थोड़ा मुझे बताएंगे मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सही है, आपका बछड़ा ज्यादा दूध भी पी लेगा वहां का पूरा दूध पिएगा, कभी कोई लूज मोशन नहीं, ये गलत धारणा है, तो ये बस भ्रांति फैला रखी है लोगों ने, ये बस भ्रांति फैला रखी, बिल्कुल गलत धारणा है। हमने 16 लीटर जो 16 लीटर गाय देती है उनको बछड़ों को छूट के अपनी माओ का पूरा दूध पीते देगा, वो कई टाइम दूध पीते थे तो कुछ नहीं होता। तो आप कहीं पे मेरे इस मत से सहमत हैं कि भाई अगर दूध के लिए गाय को इतनी प्रताड़ना दी जा रही है, अब देखिए भाई ऐसी सर्वगुण संपन्न डेयरी हर जगह तो है नहीं जहाँ पे बछड़ों का ध्यान रखा जाए, बूढ़ी गाय भी रखी जाए, अब जो डी हॉर्निंग है उसमें दर्द होता है, पर आप इतने पशु प्रेमी हैं तो आपने प्यार से की होगी, हमारे यहाँ तो मैंने देखा है जो कास्ट्रेशन है वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए होती है, लोकल भी नहीं लगाते बस कर देते हैं, तो अब ऐसी डेयरियां हर जगह तो है नहीं, तो क्या मैं गलत कहता हूं कि भाई अगर गाय के लिए इतना ही खराब है दूध की प्रोडक्शन और हम कहते हैं कि हमें गाय से प्रेम है तो भाई दूध हमें नहीं पीना चाहिए। सर आप बिल्कुल सही हैं, अब सर कहीं ना कहीं हमें तो विरासत में मिला है गाय और दूध, तो शुरू से विरासत में मिला है सर, बचपन से दूध ही देखा है, इसके बारे में सर कुछ उतना नहीं सोचा, जब आपसे मिले उसके बाद सोचना शुरू किया है इस पे, तो हम तो चाय पीते नहीं है सर, छोड़ दिए। अच्छा। चार आपने चाय पीनी छोड़ दी 4 महीने पहले, ये कहा आपने? ब्लैक टी पी थ्रू। अच्छा, नहीं खाना बंद कर दिया, केवल दाल से प्रोटीन ले रहे हैं, सोयाबीन की बरी से ले रहे हैं, नॉनवेज कुछ खाते नहीं है सर, दाल अरहर की दालें होती हैं, मूंग की दाल होती है, बस वो ज्यादा यूज। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपने इतना हमारे साथ समय बिताया, जबकि हमारी आपकी थोड़ी विचारधारा पूरी मिलती नहीं है, फिर भी मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा जो आप हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी सा केयर होने लगे बस जानवरों की, यही है, गायों जानवरों के प्रति आप थोड़ा सा नरम रवैया लाएं, थोड़ा सा नरम रवैया लाएं और उनके प्रति थोड़ा सा जागरूक हो, वो भी जाके तो बहुत चढ़ा देते हैं, कथावाचकों ने कहा कि गाय ये है वो है, बस उतने टाइम के लिए गाय माता बन जाती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, बस वहां से निकलने के बाद थोड़ा इस चीज पे ध्यान दे कि वो है कुछ, मतलब भगवान ना माने जानवर तो समझ के उसकी थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा, तो कोई आपसे मिल के जमीनी तौर पे कुछ अनुभव लेना चाहता हो तो कहाँ संपर्क कर सकता है आपको? जवाब बोले सर, जहाँ बोले, हम लोग भी आपसे मिलने के लिए सर बहुत मतलब उत्साहित है, हमारे यहाँ तो हम आपको लाएंगे ही लाएंगे, खैर वो तो गारंटेड है, पर और लोग जो सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग सुन रहे हैं जैसे, वो आपसे जुड़ना चाहें, कोई हो सकता है सागर मध्य प्रदेश में ही हो जिसको अभी आपके बारे में पता ना हो, तो वो आपसे मिलना चाहे तो आपको फोन करें, आपका फोन नंबर हम शेयर कर दें पोस्ट में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ना हो आपको बड़े सारे फोन आना शुरू हो जाए, लोग तंग कर दें आपको। फोन आते हैं सर, अभी से फोन काट करके आ चुके हैं अभी
सर ये है पारंग शुक्ला, ये फाइनेंसर है हमारे। अच्छा, हमेशा तैयार रहते हैं इलाज के लिए, कभी फोन लगा दो सब काम छोड़ के तैयार है आने के लिए। दूर जाना है तो भैया की फोर व्हीलर मिलती है भाई, हमें आप उस फोर व्हीलर की फोटो जरूर भेजिएगा, अब मैं बड़ा उत्सुक हो गया हूँ। जी सर दिखा दिया, यही रखी ना, यही वाली निकाल, ये खोल ले गेट पारंग, ये सर इनके पास। अच्छा तो गाय सर, गाय के लिए मतलब जाते इससे आप ही है सर, आप ही यूज करते हैं गाय के लिए, फिर लाने के लिए गाय को लाना हो तो आप ही ला, बाकी तो यही है आप ही सर, ये है दिखाते हैं आपको, ये सब हम लोग की टीम आई की है सर, मतलब टीम से हम लोग जब भी जाते हैं तो इसी में से तब ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये है सर गाय के लिए, हम लोग ने अभी अभी परचेस किया था ये। अच्छा तो आपने सारे संसाधन जोड़ रखे हैं सर, धीरे धीरे करते करते लाइने रूट से गाय छोड़ नहीं सकती, कुत्ते खा लेते हैं बीमार गाय, तो फिर हम ले आते हैं उसको साथ। तो आप लोगों को कह सकते हैं कि गौरक्षक की तरह जाना जाता है अपने एरिया में? नहीं 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 सर, गौ सेवक, गौ सेवक, ये वो कहेंगे ना कसाई मारो या लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, केवल अपना गौ सेवा कैसे कर सकते हैं, गौ की रक्षा कैसे की जा सकती है वो बता सकते हैं। ओके, तो ये आपने अच्छी परिभाषा में एक वो बताया कि आप गौ सेवक हैं। चलिए ठीक है, वासु जी, अंशुल जी, थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके।